एसएससी के एग्जाम में पूछे गए कुछ एल्जेब्रा के टिकी क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके लिए जो आने वाले एग्जाम जो है एनटीपीसी के एग्जाम हो गया, सीजीएल के एग्जाम हो गया, आईबीपीएस के एग्जाम हो गया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। फ्रेंड्स ये ट्रिक जो है बहुत ही बढ़िया है एंड जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इन सारे क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं एंड क्या कुछ है इन क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि इफ़ ए माइनस एट इजिकल्स टू बी है देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द मॉट के अंदर ए है माइनस में मॉट के अंदर ए है। कभी भी अगर मॉट आए, मॉट के अंदर हमेशा याद रखेगा कोई भी अगर माइनस ए रहे या फिर माइनस बी रहे, मॉट से जब निकल के बाहर आएगा तो ये हमेशा पॉजिटिव में बनेगा, पॉजिटिव में सिंपल से जो है ए आ जाएगा, ना कि प्लस माइनस ए आएगा, सिंपल से यहाँ पे ए आने वाला है। सिर्फ इसको आपको जो है ध्यान रखना है, इसको आपको याद रखना है। अगर ये याद रखेगा कि तो मॉट के वैल्यू कितने भी क्वेश्चन आते हैं मॉट से रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में प्लस माइनस से कोई आंसर नहीं दिया गया है, इसका जो आंसर होगा वही आंसर प्लस माइनस में अगर रह जाता है तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत पैदा कर देगा और आपको जो है सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि यहाँ पर आखिर होगा क्या। तो इसको चलिए आप सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पर ए माइनस एट है, इसको आप जो है यहाँ पे क्या है ए माइनस बी है, यहाँ पे बी माइनस ए है, तो यहाँ से या तो आप जो है ए माइनस बी निकाल लीजिए या फिर बी माइनस ए निकाल लीजिए। चलिए हम जो है ए माइनस बी निकालते हैं, तो यहाँ से ए माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आ जाएगा एट। एंड हमको क्या चाहिए, बी माइनस एट जो है ए का वैल्यू, बी माइनस ए का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा माइनस एट। अब जो है यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो प्लस एट हमारा मॉड में अंदर, माइनस में मॉड के अंदर जो है माइनस एट, हमेशा मॉट से जब है इनको आपको जो है मॉट से बाहर, मॉट के अंदर कट नहीं होता है कभी, ये याद रखिएगा। मॉट के अंदर यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया तो दोनों कट हो जाएगा, ऐसे कट नहीं होता है। पहले जो है मॉट से बाहर आपको वैल्यू को निकालना होगा, तो मॉट के बाहर कभी भी कोई भी वैल्यू अगर माइनस में है वो प्लस में जो है बाहर निकालता है। तो ये तो प्लस में ही है एट, ये एट तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस सिंबल माइनस ही रहेगा। एंड ये जो बाहर आएगा, ये माइनस एट जो बाहर आएगा ये हमारा प्लस एट होकर बाहर आएगा, तो यहाँ से ये सिंपल से ये बन जाएगा एंड इन दोनों कट हो जाएंगे, कट होने से ये आ जाएगा जीरो। यहाँ से कंफ्यूजिंग ये होता है, आप क्या करते हैं माइनस माइनस में जो है प्लस कर देते हैं एंड 16 को जो है टिक करके आ जाते हैं कि 16 इसका आंसर है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स 16 इसका आंसर नहीं होगा, इसका फिर आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा जीरो, यहाँ से ये वाला सही बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में टायर टू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाएगा। सिर्फ जो है लैंग्वेज को आपको समझना है, लैंग्वेज जो है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं बनता है, सिर्फ जो है लैंग्वेज को घुमा दिया जाता है। इसी तरह यहाँ पे जो है लैंग्वेज को घुमा दिया गया है। यहाँ पे क्या है, एक्स अगर डिनोट करे 1-q एंड वाई अगर डिनोट करे 2q+1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्यू, कॉमा देके लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल्स टू वाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये अगर आप समझ गए तो आसानी से जो है क्वेश्चन का आप सॉल्व कर लोगे। आपको क्या फाइंड करना, आपको फाइंड करना होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, आपको क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। एंड यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है, ये कंडीशन है जो है एक्स इजिकल्स टू वाई, तो एक्स इजिकल्स टू वाई कंडीशन को आप पहले लिख लीजिए। ये हमारा कंडीशन बन गया, एक्स का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 1-q, वाई का वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ पे 2q जो है प्लस में 1। हमेशा याद रखिएगा इधर से ये कट होकर दोनों प्लस कभी भी रहे तो इधर कट हो जाएगा या फिर इधर जाके आप कट कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3q इक्वल्स टू, इधर क्या आएगा फ्रेंड्स यही आपके लिए बड़ी बात है। अगर कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे तो आप जो है 1 क्लिक कर देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे एंड ऑप्शन में अगर 1/3 कभी भी अगर रहता तो आप जो है ज़्यादातर जो है 1/3 को जो है टिक करके आ जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 1/3 दिया हुआ नहीं है, इसलिए जो है आपको जो है नहीं लगेगा कि 1/3 होगा। अगर ऑप्शन में 1/3 होता तो आपके लिए कन्फ्यूजन यहाँ पर बढ़ जाता कि 1/3 होगा या फिर 0 होगा। कभी भी अगर माइनस होता है, कुछ भी चीज़ माइनस होकर कट होता है, इधर इधर कट होता है, तो हमेशा 0 होगा। एंड जो है आपका अगर कोई भी डिवीज़न होकर कट होता है, डिवीज़न होके कट होता है तो वहाँ पे 1 होगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे माइनस होके कट हो रहा है यानी इधर हो जाएगा 0, यहाँ से आपका क्यू का वैल्यू आ जाएगा 0, तो इसका भी जो आंसर बनेगा ये हमारा बनेगा फ्रेंड्स 0। 0 कौन से वाला ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन में है, तो बी वाला यहाँ से सही बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को कैसा लग रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दो जो है इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन से यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे, एल्जेब्रा के प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहाँ पे मैंने कराया है। यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है वहाँ पे y+1/x का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करने के लिए दिया जाता है इससे। तो इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा इसका वैल्यू 1 होता है। कैसे ये 1 आता है मैंने ये डिस्कस करके रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, बात करते हैं तो इसको आप सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आपको जो है वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा।
तो या तो आप कर लीजिए, जितने भी जो इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को आप जो है सारे को एक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, सारे को वाई को कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर सारे को जो है जेड में कन्वर्ट कर लीजिए, तब भी जो है आपको जो है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल के आएगा। तो यहाँ से अगर ये जो पहला इक्वेशन है, यहाँ से अगर हम जेड निकालें, सारे को हम एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जेड का वैल्यू अगर निकालें तो आएगा कितना फ्रेंड्स, वन बाई वाई आएगा। एंड ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से अगर वाई का वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगा हमारा कितना फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा वन बाई, यहाँ से वन माइनस एक्स आ जाएगा। ये इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसको सिंपल से y जो है x को इधर नहीं जाए, वन बाई वाई है, यानी कि y को अगर सिंपल से y करना है तो y इजिकल्स टू हमारा वन बाई जो है x आ जाएगा। अब ये जो y का वैल्यू आया है ये z के वैल्यू में जो है पुट कर दीजिए, z के वैल्यू में अगर पुट कर दें तो ये फ्रेंड्स कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा हमारा यहाँ से हमारा कर लेते हैं हम वन बाई वन माइनस वन बाई वन माइनस एक्स। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आ जाएगा हमारा वन माइनस एक्स, एंड नीचे में क्या रहेगा, इससे हम एलसीएम करेंगे तो वन माइनस एक्स इधर आएगा एंड जो है इधर माइनस में वन, ए माइनस वन एंड ए प्लस वन कट होकर चला जाएगा, नहीं इधर रह जाएगा माइनस में वन माइनस एक्स बाई एक्स रहेगा। एंड जो है वाई का वैल्यू, ये हमारा वाई का वैल्यू हो गया, एंड ये हमारा जेड का वैल्यू, यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना है, वन माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस एक्स, ये आपका जो है जेड का वैल्यू निकल के आया है। अब जो है ये जो इक्वेशन का हमको फाइंड करना होगा, सारे में देख सकते हैं ये जो है एक्स में कन्वर्ट हो चुका है, ये भी एक्स में कन्वर्ट हो चुका है, एक यहाँ पे एक्स, सारे का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, सारे एक्स या तो गायब हो जाएंगे या तो जो है कुछ ना कुछ ऐसे निकल के आ जाएंगे। चले पुट कर देते हैं, पुट करने से क्या आता है चले वो देख लेते हैं। पहले जो एक्स है, एक्स को हम एज इट इज रख रहे हैं, वाई का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया है, वाई का वैल्यू आया है वन माइनस जो है एक्स, एंड जो है फ्रेंड्स हमारा जो है जेड का वैल्यू क्या आया है, जेड का वैल्यू आया है वन माइनस एक्स डिवाइड बाई आपका माइनस एक्स। यहाँ से क्या कुछ कट होके जा रहा है, इससे ये कट हो रहा है, इससे ये कट हो रहा है, कट होके क्या सिर्फ रह रहा है, क्या वन रह रहा है या माइनस वन रह रहा है, तो यहाँ पे क्या रह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे रह रहा है माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है, ये आपको सिर्फ याद रखना होगा, ये यहाँ पे माइनस वन भी ऑप्शन में दिया हुआ है, आप इसको देखेंगे और वन को टिक करके आ जाएंगे, ऐसे मत करिएगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेट करिएगा, करने के बाद जो है कोशिश करना, तो यहाँ से ए वाला ऑप्शन सही बन जाएगा, यहाँ से माइनस वन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू दिया गया है 2c, एंड फाइंड करना जो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। कभी भी कोई भी अगर इस इक्वेशन ऐसे कुछ भी इक्वेशन आता है तो हमेशा जो है आपको जो है यहाँ पे तीन कंपोनेंट दिए गए, ए बी सी जो है तीन कंपोनेंट दिए गए, यहाँ पे जो है तीन है, इन तीनों को आपको दो में कन्वर्ट करना होगा, हमेशा ये याद रखना है, किसी भी तरीके से जो है दो में कन्वर्ट करना है। दो में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा, या तो बी का वैल्यू, या तो सी का वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा। पुट करने से क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ कट होके गायब हो जाएगा एंड कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ पे रह जाएगा, या तो वैल्यूज रहेंगे या फिर जो है सिंबल है उन सिंबल से जुड़ी कुछ ना कुछ इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा। ऑप्शन में सारे वैल्यूज दिए गए हैं, यानी यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू ही निकल के आएगा। चलिए करते हैं हम क्या कुछ वैल्यू निकल के आते हैं देखते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस इजगस टू टू सी है, यहाँ से आप ए का वैल्यू निकाल लीजिए, ए का वैल्यू हमारा आ जाएगा टू सी माइनस में यहाँ पे आएगा बी। अब जो है यहाँ पे एक का वैल्यू पुट कर दीजिए, एक का वैल्यू अगर पुट करें पहले वाले इक्वेशन में तो आ जाएगा कितना, ये 2c, यहाँ से आएगा ये 2c माइनस में हमारा b, नीचे में हमारा कितना आएगा फ्रेंड्स, नीचे आपका आ जाएगा यहाँ से 2c माइनस में b, माइनस में पहले से ही यहाँ पे एक c है, प्लस में हमारा b बाय यहाँ पे b माइनस सी। हमने सिर्फ एक का वैल्यू पुट किया है, सिंपल से कोई भी एक इक्वेशन का जो है कोई भी एक का वैल्यू पुट करना है, या तो b का पुट कर लीजिए, या तो जो है आप a का कर लीजिए, या फिर आप जो है c का कर लीजिए, किसी ना किसी एक का पुट कर लीजिए यहाँ पे। तो इक्वल्स देखे ये क्या आ जाएगा फिर, नीचे हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ से नीचे आ जाएगा आपका माइनस बी प्लस में आपका सी, एंड ऊपर हमारा तो एज इट इज़ टू सी माइनस में बी है, एंड प्लस में इधर है आपका माइनस बी b माइनस सी, यहाँ पे है b। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से इस माइनस को अगर कॉमन ले लूँ, यहाँ पे b माइनस सी है, यहाँ पे माइनस भी प्लस सी है, इसको आपको अगर एलसीएम सेम लेना है तो यहाँ पे जो है माइनस होना चाहिए। तो इस इक्वेशन से अगर मैं माइनस को यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, ये वाला बीच का जो है ये माइनस हो जाएगा, सिंपल से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से b माइनस सी हो गया, यहाँ से b माइनस सी हो गया, आप जो है आसानी से आप जो है b माइनस सी को जो है एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे। तो b माइनस सी को अगर एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा फिर से, सिंपल से जो है चले रिफ्रेश करके कर लेते हैं हम, बी माइनस सी को अगर आप एलसीएम लेते हैं नीचे से, या आपने बी माइनस सी को एलसीएम यहाँ से ले लिया है, तो ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर वाले में इधर रह जाएगा, इधर वाले का अगर पहले लिखे तो इधर यहाँ से आपका आ जाएगा कितना सेंस, बी माइनस टू सी यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि सामने जो है एक माइनस था वहाँ पर, एंड इधर से आपका प्लस आ जाएगा कितना, इधर से आपका आ जाएगा बी।
क्योंकि यहाँ पे बी माइनस बी माइनस सी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा जो नेगेटिव था उस नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी जो है प्लस में बन जाएगा एंड जो है सी टू सी जो है ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं दो बार आ रहा है टू बी, यानी ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर से अगर हम दो कॉमन ले लें तो दो कॉमन लेने से वो ऊपर आ जाएगा टू माइनस बी सी एंड नीचे में आपका रह जाएगा बी माइनस सी। यहाँ से ये कट होकर चला जा रहा है, सिंपल से जो रह जा रहा है ये टू रह जा रहा है, यहाँ से जो है सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही बन जाएगा, टू इसका आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही मजेदार एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम्स जो है रिपीट हुआ है, ना जाने कितने बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पे जो के का वैल्यू है कभी कभार जो है के का वैल्यू चेंज कर देता है, के का वैल्यू 1-2 करके कुछ दे देता है एंड कभी कभार जो है एज इट इज यहाँ से पूछा जाता है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आपको कैसे करना है चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ से जो है जो सारे इक्वेशन इक्वल्स हो रहे हैं, जो कांस्टेंट जो वैल्यू रहेगा उस कांस्टेंट वैल्यू के सारे इक्वेशन के साथ जो है इक्वेशन के साथ जो है आपको इक्वल कर देना है, क्योंकि यहाँ पे वही ये समझा रहा है ये बराबर है इसका, इसका बराबर है ये इसका बराबर है के, यानी कि सब इंडिविजुअल जो है बराबर है के साथ बराबर है, या फिर के पास अगर कोई भी नंबर दे दिया जाए उस नंबर के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आ जाएगा ए बटे में ए प्लस बी, बी प्लस सी इजिकल्स टू के। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप जो है लिख सकते हैं के इंटू में बी प्लस सी इजिकल्स टू, आप लिख सकते हैं यहाँ से ए। ठीक उसी तरह बाकी सारे इक्वेशन को ठीक उसी तरह से आप लिख सकते हैं सी प्लस ए इजिकल्स टू, आप लिख सकते हैं बी, के इंटू में हमारा हो गया ए प्लस बी इजिकल्स टू, आप लिख सकते हैं सी। तो अब क्या करना है, तीनों जो इक्वेशन आपके आया है तीनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ए आ जाएगा टू इंटू में के इंटू में आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी एंड इक्वल्स के उस पार भी इधर ए बी सी है, इधर भी आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब जो ए ए जो पोर्शन है ए पोर्शन है कट होके चला जाएगा, सिंपल से इधर रह जाएगा टू के, इधर रह जाएगा टू के बराबर के रह जाएगा आपका क्या 1 या 0। हमेशा याद रखें मैंने पहले भी कहा है कभी भी डिवीजन होके काटता है तो 1 रहेगा, अगर माइनस होके काट रहा है तो जो है 0 होगा। अब यहाँ से आ जाएगा के का वैल्यू हाफ। अब बात करते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन देंगे, एक है प्लस माइनस हाफ, एक है हमारा सिंपल से हाफ 1/2 है, यहाँ पे कौन सा होगा। यही जो है आपके लिए ट्रिकी है, यहाँ पे जो है आपका दिमाग घूम जाएगा, यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पे प्लस माइनस होगा या सिर्फ जो है प्लस होगा। तो प्लस माइनस कब होता है फ्रेंड्स, कभी भी अगर कोई भी स्क्वायर वैल्यू लिखा रहे, कोई भी अगर स्क्वायर वैल्यू आपको निकालना है 1/4 है इसका वैल्यू अगर आपको लिखना है, तो अगर ऑप्शन में अगर प्लस माइनस 1/2 है तो आप प्लस माइनस ऑप्शन जो है उससे पहले आप टिक करोगे। ऑप्शन के साथ 1/2 भी है लेकिन आपका सही आंसर जो होगा वो प्लस माइनस 1/2 होगा। कभी भी स्क्वायर अगर रहे, स्क्वायर से कोई भी अगर चीज़ अंडर रूट के बाहर, यहाँ पे 2 हो गया या फिर 4 हो गया, कोई भी अगर अंडर रूट के बाहर जब भी निकलता है तो वो होता है हमारा प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पे सिंपल एक के है, इस के का जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आया है इसलिए पॉजिटिव ही होगा, अगर नेगेटिव आता तो नेगेटिव होता। तो यहाँ पे पॉजिटिव आया है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, इसका वैल्यू जो होगा ये हाफ ही होगा। तो फ्रेंड्स अगर यही सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।